हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 94 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल टेस्ट चल रहा है। जो लोग पटना से हैं, बीएससी अकेडमी में जाके इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच, दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। हम लोगों का सवाल कुछ इस तरीके से है। देखो, सवाल में क्या बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर टू का कंस्ट्रक्शन फॉर वर्क फोर रुपीज कितना, 4 लाख, ठीक है, कितना में काम लेता है, 4 लाख में काम लेता है। एंड एम्प्लॉय 50 मैन टू कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, यानी कि काम कितने दिन में खत्म करना था उसको, 20 दिन में, और कितने लोगों को लगा था, 50 लोगों को, ठीक है। ही डिसाइडेड टू सेट असाइड 25% ऑफ द अमाउंट एज प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, प्रॉफिट के रूप में अपने लिए वो रखना चाहा। जो अमाउंट था उसका कितना, 25%, यानी कि 4 लाख था हमारा। 4 लाख का 25% जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमें देगा कितना, 1 लाख, ठीक है। वो क्या रख लिया, 1 लाख अपने लिए रख लिया प्रॉफिट के रूप में। तो उसके पास बचा कितना, 4 लाख में हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख घटा देंगे तो ये हमें क्या देगा, 3 लाख देगा, ठीक है। 3 लाख हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बचा हमारे पास, ठीक है। हिमसेल्फ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्ट ऑफ द अमाउंट, जो 3 लाख रुपया था, एमंग द वर्कर एज देयर वेजेस, सभी वर्कर्स में बांट दिया उनके वेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट एट इट एट द एंड ऑफ 18th डे, 18वें दिन में हम लोगों ने क्या नोटिस किया, दैट द वर्क इज बिहाइंड द शेड्यूल, काम जो है शेड्यूल के पहले, मतलब शेड्यूल पे खत्म नहीं होने का था, ठीक है। सो ही एम्प्लॉयड सम वोमेन अलॉन्ग विथ मैन, ठीक है, उसने क्या किया, कुछ वोमेन को एम्प्लॉय कर दिया मैन के साथ। एंड डिसाइडेड टू पे 80% ऑफ वॉट ई वॉज पेड टू अ मैन पर डे, हर दिन एक आदमी को जितना मिलता था उसका 80% दिया। तो हर दिन एक आदमी को कितना मिलता था, सबसे पहले ये निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक वर्कर को ईच डे, ठीक है, एक वर्कर को ईच डे कितना मिलता था। वर्कर में सबसे पहले पैसा कितना बटना था, देखो तो यहाँ से पैसा बटना था वर्कर में हमारा कितना, 3 लाख, ठीक है। 1 लाख तो वो अपने प्रॉफिट के लिए रख लिया, 3 लाख को बांटना था। अब ये 3 लाख कितने दिनों का है, सबसे पहले 20 दिनों का है, तो 1 दिनों का कितना हो जाएगा, भागा 20, ठीक है। अब जब 1 दिन का निकल गया तो टोटल ये 50 लोगों में बटेगा ना, तो 1 लोग का कितना हो जाएगा, फिर भागा है हमारा क्या हो जाएगा, 50। 0 से 0 खत्म, यहाँ 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से 2 5 2 10, एक और 0 खत्म हो जाएगा हमारा, सॉरी 1 जीरो कम हो गया हमारा, 1 जीरो हमारा कम हो गया यहाँ पे, यहां से हमारा हो गया 300, ठीक है, 300 रुपीज पर डे, ठीक है। अब यहां से देखो क्या बोल रहा था कि ये निकला कितना, एक वर्कर किसके लिए निकल रहा है, ये मैन के लिए निकल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग को वोमेन के लिए निकालना रहेगा, वन वोमेन का, तो वन वोमेन का कैसे निकलेगा हमारा, देखो तो वन वोमेन के लिए क्या बोला कंडीशन, वन वोमेन के लिए हमारा बोल रहा है कि 80% मिलता है मैन को जितना मिलता है उसका, तो मैन को मिल रहा है 300, इसका 80% जब निकालेंगे तो 80% हमारा कितना हो जाएगा, 8 × 24, यानी कि 240 रुपीज, ठीक है, एक वोमेन को मिलता है हर दिन, ठीक है। अब देखो काम के आगे सवाल में बोला क्या है, द वर्क वॉज कंप्लीटेड 3 डेज लेटर देन द शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल कितना दिन का था, 20 दिन का था, लेकिन काम अब कितना दिन में कंप्लीट हुआ, 23 दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है। वोमेन आई कब थी, यहां पे ध्यान दो, बट एट द एंड ऑफ 18th डे, 18वें दिन के अंत पे, ठीक है, वो देखा था कि काम जो है हमारा शेड्यूल से पीछे था, तो उसने वहां पे क्या किया, वोमेन को एम्प्लॉय कर दिया मैन के साथ, यानी कि 18वें दिन के बाद हमारा कौन आई, वोमेन आई, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बोल रहा है, इफ द कॉन्ट्रैक्टर फाइनली हैड अ प्रॉफिट ऑफ 31,000 ओनली, ठीक है। अब वोमेन जो आई, 3 दिन काम बढ़ गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो प्रॉफिट था वो कितना हो गया, 31,000 हो गया। पहले उसका प्रॉफिट कितना था हमारा, 1 लाख था उसका प्रॉफिट, ठीक है, अब उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 31,000 हो गया। तो बचे हुए जो अमाउंट थे, बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, 69,000। ये बचा हुआ अमाउंट कहाँ गया, उन लोगों में बट गया जो 3-3 दिन एक्स्ट्रा काम किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन रूप से सवाल में क्या है कि जो सवाल हमारा यहाँ से यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है, देन हाउ मेनी वोमेन वेयर एम्प्लॉयड बाय हिम, ठीक है, कितने वोमेन एम्प्लॉयड हुए थे ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, वोमेन जो आई थी, वोमेन आई थी कब, 19th डे, और काम खत्म कितने दिन में हुआ, 23 डेट में, यानी कि 19, 20, 21, 22, यानी वोमेन टोटल कितना दिन काम की, 5 दिन, वोमेन कितना दिन काम की, 5 दिन एक्स्ट्रा काम की, ठीक है, ये 5 दिन का उनको पैसा मिलना है, ठीक है। अब आगे देखो, मैन जो एक्स्ट्रा काम किया वो कितना दिन एक्स्ट्रा काम किया, 20 दिन तक तो वो एम्प्लॉयड था,
तीन दिन और चला, यानी कि क्या हुआ 3 days और वो काम किया। ये इतना दिन के वजह से ही ना ये 69,000 उसे और पे करना पड़ा। बस सिंपल है, यहीं से वेजेस निकाल देना। देखो यहाँ पे कैसे होगा कि मैन 3 दिन तक काम किया एक्स्ट्रा, यानी कितने आदमी थे 50 आदमी, 3 दिन तक काम किए, एक आदमी को कितना मिलता था 300, तो टोटल को कितना मिलेगा इतना, ठीक है, इतना रुपया वो एक्स्ट्रा पे किया। प्लस में वोमेन काम की 5 दिन टोटल, तो 5 दिन कितनी वोमेन काम की बोल दिया मैंने एक्स वोमेन, और एक वोमेन को कितना मिलता था 240, यानी टोटल कितना मिला और 240। और इसी के साथ जो एक्स्ट्रा वो 69,000 उसका गया, वो यही एक्स्ट्रा गया है ना 69,000, इसी को सॉल्व करके हम लोग यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 5 + 15 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 45 विथ 30, तो यहाँ पे 45,000 हम यहीं पे घटा देंगे। तो 45,000 जब घटाएंगे तो ये मुझे देगा 24,000, किसका मान 5x गुना में कितना 24 से जब मैं इसे काटूंगा तो ये मुझे 100 देगा, और 5 से मैं जब इसे काटूंगा तो ये मुझे 20 देगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 20। और इसी के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी वोमेन को एम्प्लॉय किया था, तो 20 वोमेन को हम लोगों ने एम्प्लॉय किया था, और इसी के साथ हमारा आंसर क्या है 20 वोमेन। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।